मेरी बहुत सारी अचीवमेंट्स के बारे में जानकारी होगी, लेकिन एक ऐसी अचीवमेंट है जो आज तक आपसे छुपी हुई है, और इस वीडियो में मैं पहली बार उस अपनी खास अचीवमेंट को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो अचीवमेंट है मैं हूं चैंपियन फेल होने का। यस माय डियर फ्रेंड्स, आई एम अ चैंपियन एट फेलिंग। अक्सर फेल होता हूं मैं, और ऐसे भी दिन जाते हैं जिसमें एक एक दिन में कई कई बार फेल होता हूं मैं। नई आदतें अपनाने लगता हूं, फेल हो जाता हूं। बहुत बार एक तरीके से किसी चीज को करने लगता हूं, फेल हो जाता हूं। नई पोस्ट बनाना चाहता हूं, नई वीडियोस बनाना चाहता हूं, फ्लॉप हो जाते हैं। नई एक्टिविटीज करना चाहता हूं, नए लोगों को बिजनेस के लिए, वर्कशॉप्स के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए, ऑनलाइन कोर्सेज के लिए कन्विंस करना चाहता हूं, बहुत बार फेल हो जाता हूं। नई पार्टनरशिप्स बनाना चाहता हूं, बहुत बार फेल हो जाता हूं। आई फेस रिजेक्शंस, लोगों की ना सुनता हूं, लोगों का मजाक सुनता हूं, उपहास सुनता हूं, और घर पे कई बार डाइनिंग टेबल पे अपने ही बच्चों के साथ, अपनी वाइफ, अपनी मम्मी के साथ में कई बार ऐसी बातें कर देता हूं, वो हंसने लग जाते हैं मुझ पे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है यार। लेकिन इन सारी फेलियर्स के बावजूद एक चीज मुझ में खास है, और वो क्या है, मैं हर बार खड़ा हो जाता हूं। और आज इस वीडियो में मैं आपको देने चाहता हूं चार चीजें जिन्होंने हमेशा गिरने के बाद मेरी मदद की है खड़ा होने में। पिछले कई दशकों में हजारों लाखों बार गिरा हूं मैं, और हजारों लाखों बार गिर के फिर से खड़ा हुआ हूं मैं, और वो कौन सी चार चीजें जिन्होंने मुझे हर बार खड़ा किया, वो आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूं। हाय, दिस इज योर फ्रेंड दीपक बजाज, नंबर वन बेस्ट सेलिंग ऑथर, लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग एक्सपर्ट एंड हाई परफॉर्मेंस कोच। देखिए, अगर आप जिंदगी में फेल नहीं होना चाहते तो आपको एक कमाल की टिप देता हूं, जिंदगी में कुछ भी नया मत ट्राई करो, मरते तक वही करते रहना जो आज कर रहे हो, कभी फेल नहीं होगे। क्योंकि जब तुम ट्राई करोगे तो फेल हो जाओगे, जितना ज्यादा ट्राई करोगे उतना फेल हो जाओगे, जितनी नई चीजें करोगे उतनी बार फेल हो जाओगे, जितने बड़े ड्रीम्स रखोगे उतने बड़े फेल हो जाओगे। अगर आपको जिंदगी में फेल होने से डर लगता है ना, तो कामयाबी के बारे में छोड़ दीजिए, और अगर कामयाब होना चाहते हो, बड़े सपने हैं, तो फिर जो चार चीज़ें बता रहा हूँ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, उन चारों चीज़ों को गौर से समझना। पहली क्या है, मैंने एक चीज़ समझी है, फेलियर इज़ दी ओनली वे टू सक्सेस। जिंदगी में कामयाबी का रास्ता फेलियर से होके निकलता है, मैटर ओवर। जिंदगी में तुमने आज जो भी कुछ सीखा है, जिंदगी में जहां भी तुम हो, गिर गिर के खड़े हो कि यहां तक पहुंचे हो। साइकिल कैसे सीखी थी तुमने, मैं अपनी बताता हूं आपको। जब पहली बार साइकिल मिली थी मुझे, तो जितने साइज का मैं था उससे डबल साइज की साइकिल मिली थी मुझे, क्योंकि वो साइकिल मेरी नहीं थी, मेरे एक अंकल की थी, और मुझे उस साइकिल चलाने का शौक बहुत था, लेकिन और मुझे इच्छा बहुत थी कि मुझे साइकिल सीखनी है। बता नहीं सकता कितनी बार गिरा हूं मैं, और बहुत बार ऐसा होता था कि किसी बाजू वाले ने जो पास से निकल रहा था वो मेरे ऊपर से साइकिल उठाते थे, क्योंकि मेरा साइज उतना नहीं था और मेरी बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं वो साइकिल उठा पाऊं। लेकिन जब घर पहुंचता था ना, तो घर ऐसे लंगड़ाते हुए यूं आता था, लेकिन घर के दरवाजे पे आके ना बिल्कुल सीधा चलता था, जैसे कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मालूम था अगर मेरी माँ ने ये देख लिया ना कि मेरी एक टांग में चोट लगी है, तो वो कल से मेरा साइकिल चलाना बंद कर देगी, और इतनी जोर से मारेगी कि दूसरे वाला घुटना भी टूट जाएगा। अब मैंने पिछले कुछ सेकंड्स में जो आपसे कहा उसको आप गौर से समझिए, मैं कुछ ऐसा काम करने जा रहा हूं जो शायद मुझे सब लोग मना कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी करता हूं। मैं गिरता हूं, चोट खाता हूं, खून भी निकलता है, घुटने भी छिलते हैं, फिर भी मैं दोबारा क्यों करता हूं? क्यों? क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं वो कर लूं, क्योंकि अंदर से वो ड्रीम है, मैं अपने आप को साइकिल पे चलाते हुए देखना चाहता हूं। बस जब आपका ड्रीम मजबूत होता है ना, तो फिर आप गिरने की चिंता नहीं करते हैं, और अगर आप गिरेंगे नहीं तो फिर आप सीखेंगे नहीं। जिंदगी में सबसे खास स्किल है जो सबके पास है, वो क्या है मालूम? चलना। आप और मैं चलते हैं, जब आप पैदा हुए थे तब से चल रहे हैं क्या? नो, शायद आप 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने या 1 साल के थे तब आपने धीरे धीरे चलना शुरू किया। और कैसे चले आप मालूम है? किसी छोटे बच्चे को जब वो चलना शुरू करता है, आप ऑब्जर्व करिएगा, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, ऑनलाइन कोर्स भी नहीं है, यूट्यूब चैनल भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो अपने चारों तरफ लोगों को चलते हुए देखता है, और उसकी भी इच्छा होती है मैं भी चलूँगा, और पहले वो घिसटना शुरू करता है, क्रॉलिंग शुरू करता है, फिर वो बिस्तर या यू नो कोई एक टेबल होती है उसको पकड़ता है, और धीरे 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 उसके साथ साथ चलता है सपोर्ट लेके। और आपका बेड है, उस बेड ना 6 फीट की लेंथ है उस बेड की, और वो 6 फीट की लेंथ क्रॉस करने में उसे शायद 10 दिन या 15 दिन लग जाते हैं। चलता है, गिरता है, गिरता है, बैठता है, बैठता है, चलता चलता गिरता बैठता, और हर बार मुस्कुराता रहता है, मुस्कुरा रहा है, चल रहा है, गिर रहा है, मुस्कुरा रहा है, बस चलता चला जा रहा है, क्योंकि आंखों में चमक है क्या,
चलूंगा, एक दिन चलूंगा, एक दिन चलूंगा, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा, और आप सेलिब्रेट करते हैं जब वो पूरा बेड चल जाता है। और हर माँ बाप के लिए जिंदगी का सबसे सुनहरा पल पता क्या है? हमारे बच्चों ने अपने पाँव पर चलना शुरू कर दिया, 3 कदम रखते हैं फिर आप गिर जाते हैं, लेकिन आप करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, क्योंकि जिंदगी का सिद्धांत बहुत सिंपल है, फेलियर इज द ओनली वे टू सक्सेस। अगर आपको कामयाब होना है तो फिर फेलियर के बीच से निकलना पड़ेगा, और मैं हमेशा इस बात को याद रखता हूँ, हर फेलियर मुझे कामयाबी के और नजदीक पहुंचा रहा है। रिमेंबर दिस माय डियर फ्रेंड, हर फेलियर, हर नाकामयाबी मुझे कामयाबी के और नजदीक पहुंचा रही है, और नजदीक पहुंचा रही है। बड़ी जंग जीतने के लिए ना कभी कभी छोटी छोटी लड़ाइयां हारनी पड़ती हैं, याद रखिएगा, बड़ी जंग जीतने के लिए कभी कभी छोटी लड़ाइयां हारनी पड़ती हैं। ये जो फेलियर्स हैं ना, ये छोटे वाले लड़ाइयां हैं, और जो आपको और मुझे चाहिए वो है बड़ी जंग, और हम बड़ी जंग जीत के रहेंगे। और दूसरी चीज मैंने क्या देखी, जब लोग फेल हो जाते हैं ना तो रुक जाते हैं, दे गेट स्टक देयर, और मालूम नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं, और आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। मैंने एक चीज समझी है जिंदगी में, जो चीज आज जहां मैं रुका हूं, आज से 5 साल के बाद क्या ये वाली चीज मैटर करेगी? और अगर मुझे लगता है आज से 5 साल के बाद ये चीज मैटर नहीं करेगी, तो फिर मैं उसके बारे में 5 मिनट से ज्यादा नहीं सोचता। People are stuck on failures because of overthinking. फिर से मैं बोल रहा हूँ, लोग ना overthinking की वजह से, analysis की वजह से उन चीज़ों पे अटके रह जाते हैं। ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्या हुआ, मेरी क्या गलती थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? और ये जो thinking है ना, ये inaction में convert हो जाती है, और उसके बाद दोबारा वो उस काम को करते ही नहीं है। लेकिन आपको अगर कभी जिंदगी में फेलियर का सामना करना पड़े ना, रुकिए मत वहां, आगे बढ़ जाइए, छोड़ दीजिए उसको और आगे चल पड़िए। और अब जो मैं 2 चीजें बताने वाला हूं ना, उनको आप गौर से सुनिएगा और समझिएगा। जब जब मैं फेल हुआ हूं, तीसरी चीज मैंने क्या समझी है, फेलियर इज अ फीडबैक। फिर से दोहरा रहा हूं, गौर से समझिएगा, फेलियर इज अ फीडबैक, फेलियर इज अ फीडबैक। फेलियर क्या है? फेलियर एक मैसेज है जो आपको यह बता रहा है, अगर इस काम को इस तरीके से करेगा तो बात नहीं बनेगी। आपको इस फीडबैक को समझना है, और आपको एक बात याद रखनी है, आप अगर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़े हैं और आपको वो लक्ष्य नहीं मिला, तो लक्ष्य को मत बदलिए, लक्ष्य को मत छोड़िए, काम करने का तरीका बदलिए। फेलियर क्या है? फेलियर एक फीडबैक है। जब जब आप फेल हो तो आप एक चीज को समझ लीजिए, अब अलग तरीके से काम करने का समय आया है। आप अपने घर से ऑफिस जाना चाहते हैं, रास्ते में आपको डाइवर्जन मिल गया, एक वहां पे लिखा था ये सड़क बंद है, तो आप क्या करते हैं, घर लौट आते हैं क्या वापस? नो, व्हाट डू यू डू? आप ये देखते हैं लेफ्ट में या राइट में बाकी लोग कहां से जा रहे हैं, कहीं से तो कोई रास्ता निकलेगा। आप रुकते नहीं है वहां, आप लेफ्ट या राइट रास्ता लेते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर से कोई लेफ्ट राइट मिलता है, उसके बाद फिर से कोई लेफ्ट राइट मिलता है, फिर कोई लेफ्ट राइट मिलता है, और दूर आपको एक सड़क नजर आती है, और आपको लगता है हाँ मिल गई, अब बने की बात, बस आप पहुंच गए। अगर आप उस जंक्शन को फेलियर मान लेंगे तो आप जिंदगी में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे और पहुंच भी कहीं नहीं पाएंगे। फेलियर इज अ फीडबैक, रास्ता बदलने की जरूरत है, काम करने का ढंग बदलने की जरूरत है, दैट्स इट। सो फेलियर को फीडबैक मानिए, चीजों में बदलाव करिए, आगे बढ़ते चले जाइए। और चौथी कमाल की चीज, जब जब आपको फेलियर का, डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़े, सेटबैक का सामना करना पड़े, तो याद रखिएगा, दिस टू शेल पास, दिस टू शेल पास, ये भी निकल जाएगा। जिंदगी में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, अगर आज आपको परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो निराश होने की, हताश होने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट फाइनल, दिस इज नॉट एंड, इसके बाद भी दुनिया है, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, और ये समय भी निकल गया। मेरे एक दोस्त बहुत कमाल की बात बोला करते थे, अगर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे, अगर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। और कुदरत भी हमें इसी बात का मैसेज देती है, हमारे को कभी समर होता है और कभी मानसून होता है, कभी विंटर होती है और कभी बसंत होता है, सीजन्स बदलते रहते हैं, सारे दिन एक से नहीं रहते। आप चांद को देखिए, चांद की शेप हर दिन अलग होती है, अमावस्या पे चांद है नहीं, पूर्णमासी पे 15 दिन के बाद चांद चमकता हुआ दिखाई देगा, और हर दिन उसका आकार आपको बदला हुआ दिखाई देगा। क्या मैसेज है? हर रात के बाद सुबह होगी, हर सुबह के बाद रात होगी, अगर दिन हुआ है तो रात भी होगी, और अगर रात है तो यकीन मानिए दिन भी होगा। दिस टू शेल पास। इन चारों चीजों को याद रखिए और एक चीज समझ लीजिए, फेलियर इज द ओनली वे टू सक्सेस, फेलियर इज द रूट टू सक्सेस। और अगर आपको इस वीडियो में कोई एक भी पॉइंट अच्छा मिला तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए, 5 ग्रुप्स में कम से कम, और 5 लोगों के साथ इस वीडियो को
जरूर शेयर करिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल दीपक बजाज पे। 240 से ज्यादा कमाल के वीडियोस हैं जो जिंदगी के हर पल पे आपको मदद करेंगे आगे बढ़ने के लिए। इट्स योर 24/7 फ्री ऑनलाइन लर्निंग यूनिवर्सिटी। 100 से ज्यादा देशों में लाखों लोग इस चैनल को रोज देखते हैं और अपनी जिंदगी में सकारात्मक पॉजिटिव बदलाव लेकर आ रहे हैं। आइए मिलकर कमाल करते हैं, आइए मिलकर इस दुनिया को कमाल की शानदार बेहतरीन दुनिया बनाते हैं। लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टुगेदर। आई वांट टू सी यू एट द टॉप। कीप शाइनिंग, कीप स्पार्कलिंग। लव यू गाइस।